Good morning, student. Class 11th, chapter number 7, कर्मचे एवं संचय. आज हम आपको प्रतिबंधित कर्मचे के बारे में बताएंगे, यानी कि restricted permutation. ऐसे permutation, ऐसे कर्मचे जिन पर कोई न कोई प्रतिबंध लग रहा हो. जैसे n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने कर्मचों की संख्या, जबकि प्रत्येक विन्यास के एक विशेष वस्तु अवश्य ली जाती हो. तो ये जो लैंग्वेज है, इसको एक बार समझने में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं या कन्फ्यूजन हो सकता है. तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही इनको समझिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और यही हमें एक्सरसाइज में करना है. तो देखिए, जब कोई एक विशेष वस्तु ली जाती हो, फॉर एग्जाम्पल हमें 15 लोगों में से 11 की क्रिकेट टीम निकालनी है, तो विराट कोहली को जरूर लेना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. आप ये लगेगा अभिष्ट कर्मचों की संख्या r n माइनस 1 p r माइनस 1, जब एक विशेष वस्तु अवश्य ली जाती है. जब एक विशेष वस्तु कभी नहीं ली जाती है तो फार्मूला n माइनस 1 p r होगा. तीसरे पार्ट में, अगर कोई वस्तुएं n वस्तुएं हैं, उनमें से हमने कह दिया कि m वस्तुएं सदैव एक साथ रहेगी. जैसे सपोज करो 3 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 15 को बिठाना है एक लाइन में. उनमें से कह दिया 3 बच्चे जो पर्टिकुलर हैं, राम श्याम कृष्ण, ये तीनों के तीनों एक जगह ही बैठेंगे, एक साथ ही बैठेंगे. उस तरह के क्वेश्चनों में ये फार्मूला लगेगा. टोटल जो वस्तुएं होती है वो n है, जो एक साथ बैठेंगी वो m है. तो फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इनटू फैक्टोरियल m, इसका फार्मूला होगा. पुनरावर्तित वस्तुओं के कर्मचय, पुनरावर्तित वस्तु के कर्मचय ऐसे हैं, जैसे हम किसी एक गेंद को अगर किसी दो बॉक्स में डाल दें, एक गेंद को डाल लेंगे दो ऑप्शन है, फिर दूसरी गेंद डाल लेंगे उसके भी उतने ऑप्शन है. तो हर बार अगर आपके जो तरीके हैं, जो आपके अरेंजमेंट हैं, उनका पुनरावृत्ति होती हो, जैसे कि सिक्का उछालते हैं, एक बार सिक्का उछाला आपने, क्या आया, हेड और टेल, ठीक है, चित या पट, कुछ या पसिव्स. तो हर बार सिक्का उछालोगे तो हर बार दो ही परिणाम होंगे. आपने सिक्का चार बार उछाल दिया तो इसका जो क्रमचय बनेगा वो बनेगा 2×2×2. आपने सिक्के को 5 बार उछाल दिया तो जो टोटल परिणाम है वे हर बार उतने ही रहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है. तो फार्मूला लगेगा n की पावर r. अभिन्न वस्तु के कर्मचय, अभिन्न वस्तुएं जो वस्तुएं कुछ ऐसी हो जिस पहले कुछ नाम ऐसा है, जैसे मान लिया मिसिसिपी, या जिसमें डबल ए आ जा, डबल बी आ जा, इस तरह की जो स्पेलिंग है उनमें कुछ से किससे हो गई, तो उसमें क्या होगा, एन वस्तुएं होंगी, सारी सारियों को काउंट कर लेंगे आप. फिर उसमें पी वस्तु एक प्रकार की है, यू वस्तु एक प्रकार की है, मतलब कि रिपीट हो रही, और आर वस्तु एक प्रकार की है. तो हम क्या करते हैं, अब इस तरह से लिखेंगे टोटल वस्तुएं, यानी कि एन एन तो आया ऊपर, और जो जो रिपीटेशन है उन्हें काउंट कर लेंगे, उनके उतने ही फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे. पी वस्तु है पी फैक्टोरियल, क्यू वस्तु का क्यू फैक्टोरियल, आर वस्तु का आर फैक्टोरियल. ये जो पी टू आर है, ये वे है जो रिपीटिंग है, जो एक जैसी है, एक प्रकार की वस्तुएं हैं, उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा. अब इसकी एक्सरसाइज को हम 7.3 को आपको कल को बताएंगे. आप इनको रीड करिए और समझिए कि कौन से फार्मूले को कौन से क्वेश्चन में लगाना है. इससे आगे के आपको कल को बताएंगे. थैंक यू.